ताश की पत्ती बिना देखे हुए पहचान जाना यह एक कला है और यह कला केवल जादूगर लोग को आता है। तो जादूगर कैसे स्टेज के ऊपर बिना देखे हुए ताश की पत्ती जो ऑडियंस पसंद करते हैं वह बता देते हैं। इसके ऊपर हमने ऑलरेडी 4 वीडियो बनाए हैं, यानी 4-4 ट्रिक बता चुके हैं कि कैसे बिना देखे हुए ताश की पत्ती को पहचानते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है। तो एक लास्ट में वीडियो बनाए थे एम विजन के ऊपर, और इसका हुआ ये था कि ये ट्रिक समझा तो दिए थे लेकिन अच्छी तरह से समझ में नहीं आया था। और दूसरी बात था कि आप लोगों का डिमांड है कि इसे आप जरा पब्लिक प्लेस में जाकर और टेस्ट करवाइए, चेक करवाइए कि लोग आपका ट्रिक पकड़ पाते हैं कि नहीं। तो ये सारी चीज हम इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहे हैं, और इसका बेहतरीन आइडिया क्या है, और दिवाली आ रही है तो उस मकसद से मत देखिएगा कि आप ये ट्रिक सीखकर दिवाली में मत इस्तेमाल कीजिएगा, यानी कि जुआ में आपको इस्तेमाल नहीं करना है, केवल और केवल मैजिक पर्पज से हम आपको बताने जा रहे हैं। तो कैसे एक काम करता है ट्रिक, चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने हुए रहिएगा क्योंकि 3-3 ट्रिक आपको एक ही वीडियो में सीखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम आपके सामने इस ट्रिक को करके दिखा रहे हैं, आप पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। तो इस कार्ड का जो भी सेटअप था उसको हम अच्छी तरह से हटा दिए, यानी तोड़ दिए हैं मिक्स करके। तो यहाँ हम अच्छी तरह से इसे मिक्स कर दे रहे हैं, और मिक्स करने के बाद हम इसे आपको दिखाएंगे। और यहाँ ट्रिक दिखाने के बाद हम आपको फिर ले चलेंगे जुएरी लोग के पास में, जो हमेशा ताश खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, जिनके पास ताश का नॉलेज होता है। तो यहाँ हम पत्ती 2 चल दिए हैं, आपको पता है ये मेरा ताश है, ये मेरे सामने वाला का है। यहाँ पर कौन जीतने जा रहा है, यहाँ पर मैं हारने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास चौका है लाल पान का, मेरे पास दुक्की है ईंट का, लेकिन मेरे सामने वाला के पास जो कार्ड है वह सीधा मेरा पैसा लेकर चला जाएगा, ये बेगम है ईंट का, यही गया मेरा गेम ख़त्म। और ये चौका है ईंट का, 2 कलर सेम है, पत्ती भी बड़ा है, यानी कि यह मेरा गेम जीत लेगा। तो इसमें आप डिफरेंस बताइए, आपको कार्ड में कोई डिफरेंस नज़र आ रहा है? बिल्कुल डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। इसी चीज़ को अगर मैजिशियन दिखाते हैं, आप वीडियो को रोक कर डिफरेंस खोज लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ देखिए, इस कार्ड को मैजिशियन अगर दिखाएंगे तो मेरे जो कैमरामैन हैं उनको बोलूँगा कि इसमें कहीं भी उंगली रखने के लिए, कहीं भी, ठीक है, कहीं भी आप उंगली डालिए। ओके, ये कौन सा कार्ड है आपको पता है? नहीं पता है, यह दुक्की है चीरी का, ये मैं देखा नहीं हूँ अभी तक, इसे हम आपको पलट कर दिखाते हैं, यह दुक्की है चीरी का। ओके, तो अब मैं आपको सीधा ले चलता हूँ यहाँ से उन भाई लोग के पास जो हमेशा ताश खेलते रहते हैं, यानी जो जुएरी लोग हैं उनके पास ले चलते हैं, और उनका राय देखते हैं कि क्या है, और उनको हम इस ट्रिक को दिखाएंगे, और ट्रिक को दिखाने के बाद हम बोलेंगे कि हमने कैसे किया है, ये जरा आप पकड़ कर बताएं। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं ताश खेलने वाले के अड्डा पर, तो यहाँ पे खेल रहे हैं ये लोग, तो इन्हीं को अभी हम दिखाने जा रहे हैं इस ताश का जबरदस्त ट्रिक। हाँ, समझ गए, समझ गए सब लोग, आप अपने काम में बिजी है, थोड़ा सा इधर आप लोग ध्यान दीजिएगा। भाई साहब, आप ही लोग को कह रहे हैं, आप लोग खेलते रहिएगा, हम जब खेल के चले जाएंगे, यानी हमें अपना जादू का खेल दिखाकर चले जाएंगे, तो आप लोग खेलिएगा। चलिए देखिए, मेरे पास भी एक ताश है। ओके, ये आप जैसा खेल रहे वैसा ही ताश है ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इसे हम मिक्स कर देते हैं, कोई भी कार्ड जो जहाँ था वहाँ से हम अलग कर देते हैं। आपको शक है तो इसे आप मिक्स कर सकते हैं। तो ये अच्छा से मिक्स कर दिए हैं, एक बार हम भी मिक्स कर देते हैं। ओके, और आपको डाउट है तो आप काट सकते हैं कहीं से। ओके, आपको यहाँ से कोई भी कार्ड यहाँ से पिक कर सकते हैं, कोई भी एक कार्ड आप निकाल सकते हैं। ये कौन सा कार्ड है आपको पता है? कोई भी है, निकालिए तब ना बताएंगे। तो एक हम देख लिए हैं, देख लिए हैं, एक कार्ड हम इनको भी दिखा दे रहे हैं, आप देख लिए ना, गौर से देख लीजिए, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर रख दिए, ठीक है, निकाला, इसको आप मिक्स कीजिएगा क्या? ना ना कीजिएगा, ठीक है। कौन सा कार्ड था? अच्छा, काला पान का इक्का था। हाँ, तो काला पान का इक्का था, ये लोग मिक्स किए हैं। मिसबो खंडी टाइम ना दिया तू, ठीक है, देख करके आप मिक्स कीजिएगा। तो अच्छा, ठीक है, आप जैसा बोले वैसा ही करते हैं। आप लोग एक कार्ड पकड़िए, आपको कुछ डिफरेंस अगर नजर आ रहा है तो बताइए, लीजिए, आप लोग पकड़िए इस कार्ड को, देखिए गौर से,
अगर ऐसा शक लग रहा है तो बताइए इसमें कहीं से बताइए इसमें आप लोग बताइए इसमें। तो यहाँ पर जो भी कार्ड है आप अच्छी तरह से इसे मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। कहीं भी आप इसमें कोई भी तास है उसे आप टच कीजिए, कोई भी तास को, ओके लाइए। ये कौन सा तास है आपको पता है? नहीं। आपको पता है? आपको पता है ये पंजा है, पंजा है क्या? नहीं। ठीक है, अगर इससे आप लोग तास खेलिएगा स्ट्रिक का इस्तेमाल करके तो सामने वाला जो रहेगा वो कंगाल होकर चला जाएगा। इसलिए आप लोग को ट्रिक तो नहीं बताएंगे, लेकिन मान लीजिए कि यहाँ कार्ड है, यहाँ कार्ड है, ठीक है। आपका वाला ए कार्ड है, मेरा वाला ए कार्ड है। आपको पता है आपके पास कौन सा कार्ड है? नहला है आपके पास, लाल के, और मेरे पास दहला है, ठीक है। अब आपको दे रहे इसमें से देखिए कोई कार्ड डिफरेंस नज़र आ रहा है क्या इसमें? आप लोग देखिए इस कार्ड में, देखिए इसमें कोई अलग अलग पत्ती लगता है क्या? नया तास है तो अलग अलग दिखाई देता है। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि अलग अलग पत्ती है ना, डिजाइन में कहीं से आपको अंतर लग रहा है? तो यहाँ पे जब हम इन लोगों को दिखा रहे हैं तो इनको पता नहीं चल रहा है कि अलग अलग डिजाइन है। तो ये सभी लोग इसमें खोज रहे हैं, देखिए आप लोग गौर से देखिए, आप गौर से देखिए, अगर बता दीजिएगा तो इनाम देंगे हम 500 रुपया, हम ले लेंगे, आज की खर्चा पानी का दाम हो जाएगा। हाँ देखिए सियाह का इक्का है बाजा। तो दोस्तों यहाँ पर एक ऐसा ट्रिक है कि ये लोग समझ से इनका बाहर है कि इस कार्ड में आखिरकार हुआ क्या है। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए कोई भी कार्ड हो, कोई भी कार्ड, जैसे कि यहाँ पर ये लालपन का बेगम है, देखिए एक मिनट, ये लालपन का बेगम है। अब आप देखिए पीछे कहीं पे है कुछ, आप बता सकते हैं डिफरेंट इस कार्ड में और उस कार्ड में? सब सेम है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देखे कि ये लोग को हम दिए हैं, बिल्कुल ये लोग गौर से देख रहे हैं कि डिफरेंट तो इसमें है लेकिन कहाँ है इन लोगों को पता नहीं है। आप लोग इतना समझ जाइए इसमें कोड है लिखा हुआ, ठीक है। अब कहाँ पे लिखा हुआ है आप बताइए? इसका कोड कुछ इस तरह से यूनिक बनाया गया है कि बहुत सारा मशक्कत करने के बाद भी समझ में नहीं आना है जब तक हम नहीं बताएंगे। भैया ये है कि एक कोना पर है कि एक काके, अब आप ही ना जानिएगा तो यहाँ पर जैसा कि देखे कि इन लोगों को पता नहीं चला है तो चलिए आप लोगों को ले चलते हैं अब स्टूडियो के पास। दोस्तों एक्चुअली में यह मार्क कार्ड है, यानी इसके ऊपर मार्क किया हुआ है, लेकिन जब हम ज्वेलरी भाई साहब को बोले कि इसके ऊपर मार्क है यानी लिखा हुआ है, हालांकि वो मेरा दूसरे कार्ड के बारे में उनको पता है कि मार्क है, लेकिन वह इसमें मार्क खोजने की कोशिश किया, लेकिन कितना भी कोशिश के बाद उनको मार्क मिला नहीं। तो इतना खतरनाक इसका मार्क किया हुआ है, इतना खतरनाक इसका चिन्ह है कि आप वीडियो रोक कर इसमें खोजने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ देखिए हमने आपको लाइन से यहाँ 3 कार्ड लगा दिया, इसमें आप डिफरेंस खोज लीजिए आपको पता चल जाएगा। तो इसका मार्क बहुत ही ज़बरदस्त है, आप किसी के सामने इसे दिखाएंगे तो उसे समझना मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा कि इसमें आप बोल भी दीजिए कि इसमें मार्क किया हुआ है, लीजिए देखिए फिर भी उसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा हमने टेस्ट किया है। इस कार्ड को देखकर 5-5 मिनट एक आदमी को हमने चेक किया है कि आप देखिए इस कार्ड के ऊपर प्रिंट है लिखा हुआ है, लेकिन इसमें कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ कोड है आप बताइए, तो ऐसा वह बताने में असमर्थ रहे हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं, और वो भी आपको इतना अच्छा से बताएंगे कि दोबारा समझने की जरूरत नहीं होगी। इक्का दुक्की तिक्की चौका जो भी है यह कार्ड कैसे पहचानते हैं। तो अगर आपको यह खेल पसंद आया है, ट्रिक पसंद आया है, तो आप वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए और आइए बताते हैं इसे कैसे करते हैं। तो कलर की पहचान बताने से पहले हम यहाँ कार्ड का नंबर पहचान करना आपको बता देते हैं। तो ये जो कार्ड है इसके इस साइड और इस साइड, यानी कि आप जब भी कार्ड को पकड़ते हैं तो ऐसे पकड़ते हैं, तो यहाँ पर कोड दिया हुआ रहता है और इसको ऐसे पलट देंगे फिर भी यह कोड यहाँ आएगा, यानी इस कोने और इस कोने पर कोड बना हुआ रहता है। ज़्यादातर कार्ड जो मार्क वाले आते हैं उसमें आपको यहाँ और यहाँ दोनों में कोड बना हुआ रहता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखिए ये कैलकुलेटर है, इस कैलकुलेटर में यहाँ 6 हम टाइप किए तो 6 कुछ इस तरह से बन के आ रहा है। अब यही 6 इसमें देखना है, यहाँ पर ये जो त्रिभुज है यहाँ इसके अंदर केवल देखना है, इस कॉर्नर पर यहाँ 6 लिखा हुआ है, ऐसे मुड़ कर आया है तिरछा,
और 6 लिखा हुआ है, तो ए छक्का है। ओके, ए 6 है। अब इसके बाद आपको हम बताते हैं, यहाँ जो कार्ड है ए पंजा है, तो इसमें 5 लिखा हुआ है। यहाँ पे एक कोड इस तरह का बना हुआ है दोस्तों कि आप गौर से देख लीजिए, आपके हाथ में जब यह कार्ड जाएगा तो आप इसे गौर से देखिएगा, यहाँ कॉर्नर में ये नज़र आएगा। अगर आपको यह कार्ड चाहिए तो यहाँ नंबर दिया हुआ है 9434-9151, इस पर कॉल करके आप इस कार्ड को मंगवा सकते हैं। तो यहाँ इस कैलकुलेटर में हम 5 लिखे तो 5 कुछ इस तरह से बन के आया, तो यही 5 यहाँ पर है, इसमें कोड में दिया हुआ है ताकि सभी समझ ना सके कि यहाँ पे कहीं पे क्लियर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ जब आप गौर से देखेंगे तो सेम इसमें जो 5 है वही 5 यहाँ पे लिखा हुआ है, बस हल्का सा यहाँ इसको गायब कर दिया गया है। तो इसको गायब नहीं किया है, बस इसको मीड मान लिया गया है, तो यहाँ से यह पंजा है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जब कैलकुलेटर में हम टाइप करेंगे 4 तो कुछ इस तरह से लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ आप देखिए गौर से, इसको मीड मान लिया गया है, यानी ए जो एरो है यहाँ पे इसको मान लिया गया है कि ए है। अब यहाँ एक कॉर्नर निकल गया ए, और फिर दूसरा ए है, और फिर नीचे यह दे दिया है, यानी यह 4 लिखा हुआ है। अगर दोस्त आप एक बार इस चीज़ को समझ जाते हैं फिर इसके बाद आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, और जब आपके हाथ में यह कार्ड जाएगा तो आप गौर से इसे समझने की कोशिश करिएगा। बस एक बार आप इस चीज़ को देख लिए और समझ गए ना, फिर आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। फिर आपके सामने वाला कितना भी कोशिश करके रह जाएगा, आप कहीं भी इस खेल को दिखाइएगा, कोई समझ नहीं पाएगा कि कहाँ पे इसमें कोड बना हुआ है। तो यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ 4 लिखा हुआ है। और अगर आप यह कार्ड मंगवाते हैं, आपको समझने में किसी भी तरह की दिक्कत होगी तो हम आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाकर भेज देंगे। फिर भी अगर आपको ये पहचाने में दिक्कत हुई तो हम आपको वीडियो कॉलिंग पर इसे समझा देंगे, यानी आपको समझने में कोई तरह की दिक्कत नहीं होगी। बस एक बार आप इसे गौर से देखिए कि इसके अंदर है। कोई कोई भाई ऐसे होंगे जिनको नहीं समझ में अगर आएगा तो आप इसे दोबारा वॉच कर लीजिएगा, या आप कार्ड मंगवाएंगे तो आपको इसको समझाने के लिए बेहतर से बेहतर प्रयास हम करेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए कोड जो नीचे है, यहाँ पे एक डॉट होना चाहिए, यहाँ डॉट होना चाहिए, यानी यहाँ आप डॉट देख रहे हैं 1 2 3 4, इसमें देखिए 1 2 यहाँ पर गायब है, 3 4, 1 2 यहाँ पर इसका गायब है, 3 4 यहाँ देखिए 1 2 3 4। तो इसी बॉक्स के अंदर हमें कलर पहचानना है जहाँ का बिंदी गायब हो जाता है, यानी ये डॉट 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 है, ये जहाँ गायब हो जाएगा वही कलर है। यहाँ पे पहला नंबर पर गायब है तो पहला गायब रहेगा तो ये चिरी हो गया, यानी चिड़िया हो गया, इसे देखिए ये चिरी है। ठीक है, तो इसके दूसरे नंबर पर गायब है तो यह ईंट है, यानी ईंटा है। ओके, अब यहाँ 1 2 3 यहाँ पर ऊपर से एक के बाद गायब है तो यह कार्ड हो जाता है कालापान। ठीक है, ये देखिए, और फिर यहाँ देखिए यहाँ ऊपर में सबसे पहला नंबर यहाँ पे दाहिना साइड से गायब है, यानी कि ये ब्लैंक है, यहाँ पे कोई डॉट है ही नहीं, यहाँ जो बिंदी होना चाहिए ऐसा तो यहाँ पे है नहीं, यह हो गया लाल पान। ठीक है, अब यहाँ पर दो और कार्ड है, आप इसे गौर से बताइए तो ये कौन सा कार्ड है, यह लाल पान है, और यहाँ से ऐसे मुड़ कर आया है, यानी 6 नंबर का कार्ड है। ठीक है, अब यहाँ देखिए यह इक्का है, और यहाँ पे ये दूसरे नंबर पर खाली है, अब आप बताइए कौन सा कलर है, तो दूसरा नंबर खाली रहेगा, ईंट रहेगा। कलर के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं वीडियो को कि कलर को कैसे पहचानना है, तो यहाँ दिया हुआ है कलर पहचानने का तरीका। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको ये ट्रिक समझ में आया होगा। अब चलिए नेक्स्ट ट्रिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और बताते हैं नेक्स्ट आइडिया। चलिए अब देखते हैं ग्रैंड मास्टर का। ग्रैंड मास्टर भी दो कलर में आएगा, एक रेड और एक ब्लैक में। अभी हम देखेंगे रेड कलर में इस ट्रिक को। तो इसके अंदर भी दो जोकर आता है कुछ इस तरह का, इस दोनों जोकर को हम बाहर कर देते हैं। अब चलिए इस कार्ड को हम मिक्स करके और फिर इसमें पहचान कर आपको दिखाएंगे, और इसके बाद बताएंगे कि इसे कैसे पहचानते हैं। चलिए इस कार्ड को अच्छी तरह से मिक्स कर दे रहे हैं ताकि जो कार्ड है वो इधर से उधर हो जाए, यानी कि अलग अलग सभी कार्ड हो जाए, और फिर हम आपको अभी पहचान कर बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो कार्ड है यह ईंट का गुलाम है, और यह वाला कार्ड चीरी है 8 का, यह वाला कार्ड का है लाल पान का, यह वाला कार्ड चीरी है 10 का, यह वाला कार्ड लाल पान का गुलाम है।
तो इसे कैसे पहचानते हैं आइए आपको बताते हैं। इस कार को समझने के लिए यहाँ पे इस गोला को देखा जाता है, यहाँ पे जो आपको गोल दिख रहा है इसी से इस कार को समझा जाता है। तो सबसे पहले हम रंग को समझेंगे, यहाँ पे जो वी दिया हुआ है इसी वी से रंग को समझा जाता है। यहाँ पे सभी मोटा है यानी कि सभी डार्क में है, एकदम से दिख रहा है, और जो पतला है जिस तरफ का पतला रहेगा, अगर ऊपर का पतला है तो यह लालपान, नीचे का पतला है तो ईंट, अगर इधर का पतला है तो यह रहेगा चीनी, और इधर का पतला रहेगा तो यह हुक्म रहेगा। यहाँ पर इस तरह का आपको इसके अंदर मिल भी जाएगा, ऊपर हर्ट्स और नीचे डायमंड, और इधर क्लब्स और इधर स्पेयर्स, आपको इसे कलर को समझने में मदद मिलेगा। अब ये वाला कार्ड यहाँ से देख सकते हैं हम, क्योंकि इसे ऐसे पकड़े या ऐसे पकड़े यह रहेगा आपके बायां साइड के ठीक ऊपर में ही। तो यह दाहिना साइड मेरे अगर यह पतला दिख रहा है तो दाहिना में आप चीरी समझिए, यह चीरी है। और दूसरे नंबर पे है, यहाँ पे एक इस तरह का सभी में बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स के अंदर में नंबर पहचानने का ट्रिक छुपा हुआ है। इसमें अगर पहला नंबर में बॉक्स खाली मिलेगा यानी कि इस तरह का डॉट आपको नहीं मिलेगा तो वह एक नंबर का कार्ड है, अगर दूसरा नंबर खाली है, यहाँ पे दूसरा नंबर खाली है तो यह दुक्की है, और यहाँ पतला दिखा जाए तो दाहिना साइड है तो यह चीरी है। इसी तरह से यहाँ पे तीसरा नंबर बॉक्स खाली है तो यह तीन नंबर का कार्ड है, यहाँ से यहाँ तक तीन है और यहाँ से यहाँ तक छः। जिस तरह से आप घड़ी देखते हैं ना, ठीक आपको घड़ी देखना है, अगर आपको घड़ी देखने आता है तो आसानी से आप इसे सीधा एक बार में देख कर पहचान सकते हैं। तो 3, 6, 9 और 12 इस तरह से इसमें कार्ड का निशान बना हुआ है, यहाँ पे ये टिक्की है और इधर है तो हम बाएं साइड को समझेंगे यह हुक्म है, बाएं साइड हुक्म कर रहा है, ये हुक्म है कलर में तीन का। और यहाँ पे ये फर्स्ट नंबर पे बॉक्स खाली है तो यह इक्का है, और नीचे खाली है तो ईंट है। तो यही इसका ट्रिक है। यहाँ पे अब हम देखेंगे सीधा, यहाँ पे चार नंबर वाली खाली है तो यह चौका है, ऊपर में पतला है यहाँ पे तो यह लाल पान है। अब ठीक इसी तरह से ऊपर में यह लाल पान हो गया, और यहाँ पर देखा जाए तो यह वाला खाली है तो यहाँ से यहाँ तक तो तीन है, और ये सीधा तीन में 1+4 और 1 यह 5, यानी यह 5 नंबर का कार्ड है। आप चाहे तो 3, 3, 6 गिन करके 1 माइनस कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम इसमें देखेंगे तो इस कार्ड में हमें खाली मिलेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखेंगे तो इसको 3 से गुना कर दिए यानी 9वें नंबर का कार्ड है, कलर में यह ईंट है। अब इस कार्ड को देखिए तो यह दाहिना साइड है तो दाहिना साइड चीरी है, चीरी होगा, और यहाँ पे खाली है तो 9 के बाद ये 10 और 10 के बाद 11 और ये मान लीजिए कि 12 है। अगर आपको ऐसे गिनना है तो ये 9 के बाद 10 और 10 के बाद वाले नंबर है 11 और 12 के पहले वाले, तो यानी कि यह 11 नंबर की कार्ड है। ठीक इसी तरह से यह 9 के बाद यानी 10 नंबर की कार्ड है तो यह दहला है, इसका कलर ईंट है। यही इसका पहचानने का ट्रिक है। हमें उम्मीद है कि आपको सभी कार्ड का रहस्य पता चल गया होगा, और अगर आप इस कार्ड को मंगवाते हैं तो आपके पास एक समझने के लिए इंस्ट्रक्शन भी जाएगा जिसे देखकर आप इजीली आसानी से समझ सकते हैं। तो अब हम समझेंगे 555 जो दूसरा मॉडल है उसका। पहला जो आप देखें जिसमें कि कॉर्नर पर था, बिल्कुल यहाँ पे कॉर्नर पर इसका सिंबल दिया हुआ था नंबर और रंग दोनों पहचानने का, लेकिन यह उससे बिल्कुल अलग है। यह भी दो कलर का जाता है, एक आता है इसमें ब्लैक जो कि आप देख सकते हैं, और एक आता है रेड जो कि इस कलर का है। तो पहले हम दिखाए थे रेड कलर का तो इसे हटा दे रहे क्योंकि वह कोई दूसरा कार था, एमविजन था जिसके कॉर्नर में समझने वाला था, लेकिन यह दूसरा है, बिल्कुल इसका अलग है टेक्निक समझने का। अब चलिए इस कार्ड को हम पहले तो अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने के बाद हम इसे आपको पहले पहचान कर दिखाएंगे कि कौन सा कार्ड कौन से नंबर का है और किस रंग का है। चलिए एक बार फिर से आपके नज़र के सामने इस कार्ड को हम मिक्स कर दे रहे हैं, और मिक्स करने के बाद पहचान कर हम बताएंगे। यह कार्ड ईंट का चौका है, यह कार्ड लाल पान का नहला है, यह कार्ड चीरी है गुलाम का, यह कार्ड लाल पान का इक्का है, यह कार्ड काला पान का जिसे हुक्म बोलते हैं हुक्म का अट्ठा है, यह कार्ड चीरी है सात का, यह कार्ड काला पान का गुलाम है। तो इस तरह से आप भी पहचान सकते हैं, बस इसका एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है उसे समझना है। तो यही है समझने का, यहाँ पे एक कार्ड जो कि इसके अंदर आपको मिल जाएगा
यहाँ पे इक्का दुक्की तिक्की चौका पंजा सत्ता यानी कि बादशाह तक हम कार निकाल लेते हैं और अलग अलग रंग का, ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ पे हमने इक्का दुक्की तिक्की से लेकर बादशाह तक सभी कार्ड को निकाल लिया है और अलग अलग रंग का हमने लिया है। तो चलिए सबसे पहले इसमें रंग समझने का ट्रिक को हम समझते हैं। इसमें जो ऊपर दिया हुआ है ऐसे पकड़ लीजिए या आप ऐसे घुमाकर पकड़ लीजिए, ये दिखेगा कलर ऊपर में ही। ओके, तो यहाँ पे ये रंग को समझने के लिए दिया हुआ है, इसमें सभी जगह पे क्रॉस है और जिस जगह पे प्लस दिखेगा वही कार्ड यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक बाकी सभी क्रॉस रहेगा और जो प्लस दिखेगा वह रंग को इंडिकेट करेगा। यानी कि पहला पर जो प्लस रहेगा इधर से कॉर्नर पे पहला और इधर से कॉर्नर पर पहला, इसे कैसे ही पकड़ लीजिए कॉर्नर पर ही आएगा। तो यह अगर प्लस है तो यह काला पान, दूसरा प्लस है ईंट, तीसरा प्लस है चीनी और चौथा प्लस है तो लाल पान। यहाँ पर पहला प्लस है तो यह काला पान है। ओके, इसी तरह से अगर दूसरा प्लस में मिल जाए, यहाँ पे चौथा प्लस है तो चौथा प्लस लाल पान को इंडिकेट करता है। इसी तरह से यह दूसरा प्लस है तो दूसरा ईंट का इंडिकेट करता है, तो यह ईंट है। और इसी तरह से यहाँ पे यह चौथा है तो चौथा लाल पान इंडिकेट कर रहा है। तो यही कलर को पहचानने के लिए दिया हुआ है। अब यह दूसरा है तो दूसरा ईंट है, इसमें दूसरा नंबर है तो यह ईंट है। अब हम नंबर और कलर दोनों एक साथ समझेंगे। यहाँ पे इक्का दुक्की तिक्की सभी नंबर वाइज हम निकाल ले रहे हैं इक्का। अब देखिए इसमें इस कार्ड को ऐसे पकड़े या ऐसे घुमा कर पकड़े, हमारे जो लेफ्ट साइड है यही नंबर हमें नंबर को पहचानने में मदद करेगा। यानी कि इसमें यहाँ से यहाँ तक क्रॉस बाकी में रहेगा और जिसमें प्लस मिल जाएगा वही नंबर होगा। यानी कि यहाँ पे पहला नंबर पे प्लस है, आप यहाँ देख सकते हैं पहला, यह इक्का है। ओके, और कलर के लिए यहाँ पे जो ही प्लस है, पहला प्लस है कलर पे, तो यह हुक्म है। ओके, अब चलिए दूसरा, यहाँ दुक्की के लिए यह क्रॉस हो गया, अब दूसरा वाला प्लस है तो यह दुक्की हो गया, दो नंबर का प्लस दुक्की। और कलर में देखा जाए तो यह लाल पान है, यानी चौथा नंबर पर, एक दो तीन चार, आप इसे इजीली पकड़ सकते हैं आसानी से। जब इसे बार बार आप देखेंगे, यह दूसरा है तो दूसरा ईंट होता है तो यह ईंट है तीन नंबर का, यहाँ एक दो तीन, तीसरा नंबर प्लस है तो यह तीन नंबर का ईंट है। इसी तरह से ये चौथा है, चार नंबर पर प्लस है, यहाँ पर एक ए दिया हुआ समझने के लिए, एक लाइन यहाँ पर है, एक लाइन यहाँ पर है, एक लाइन यहाँ पर है, तो सभी तीन तीन के बीच में लाइन दिया हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक रहेगा तो तिग्गी, इसके बाद रहेगा तो छः और इसके बाद रहेगा नौ और इसके बाद रहेगा बारह, तो यह तीन के बाद है यहाँ तो चौका है। ओके, और यह अंतिम वाला है, इसमें चौथा नंबर पर है तो यह लाल पान है। इसी तरह से सभी में समझने के लिए, यह चौथा नंबर पर है तो यह भी लाल पान है। और यह कौन से नंबर का है तो चार के बाद है, यहाँ पे डायरेक्ट समझना है कि यह तीन है और तीन के बाद ये एरो है तो चार और ये पाँच, ये पंजा है। इसी तरह से सभी को समझेंगे, यहाँ पे पंजा छक्का जो भी है ये सभी इसमें दिया हुआ है।